नमस्कार, स्वागत है आपका आपके साथ। मैं स्तेश नैन मोर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। सोनीपत से बड़ी खबर, जहां ज्वेलरी शोरूम में जो लूट की वारदात को अंजाम दिया गया था, उस मामले में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ऑनलाइन गेम में पैसे हारने के बाद इस वारदात को अंजाम देने की योजना आरोपी ने बनाई थी। ऑनलाइन गेमिंग में आरोपी ने 4,50,000 रुपए गंवा दिए थे। आरोपी प्रिंस बीबीएस सेकेंड ईयर का छात्र है। दो बाइक सवार बदमाशों ने शुक्रवार को लूट की इस वारदात को अंजाम दिया था। बीते शुक्रवार ज्वेलरी की शॉप पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया था। फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे दो आरोपी, नकाबपोश जो आरोपी हैं, हथियारों के साथ ये ज्वेलर की शॉप पर आते हैं और वहां दुकानदार पर बंदूक के बट से हमला करते हैं और वहां से फरार हो जाते हैं। अब पुलिस ने आरोपी प्रिंस को गिरफ्तार किया है और पुलिस की पूछताछ में एक बड़ा खुलासा यह हुआ है कि आरोपी ने इस वारदात को इसलिए अंजाम दिया क्योंकि गेमिंग की लत में वो लाखों रुपए हार चुका था। इसके बाद उसकी भरपाई के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे आज के पढ़े लिखे युवा गलत रास्ते पर जा रहे, गेमिंग की लत में अपराधी बन रहे हैं, हथियार उठा रहे हैं, लूट की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। मिली थी अजीतेंद्र नामक की कोई यूनिक ज्वेलर्स की दुकान है गोहाना रोड पे, तिरंगा चौक से आ गए। वहाँ पे दो लड़कों ने चोट मार के पिस्टल वगैरह से और जो है कुछ कैसर को ज्वेलर लूट लिए। तो इसमें हमने एक लड़के को गिरफ्तार किया है जिसका नाम प्रिंस है, जो BTM कॉलोनी भिवानी का रहने वाला है। और इसने कोई ऑनलाइन जुआ खेला तो उसमें पैसे हार गया था। इसने अपना एक और साथी तैयार किया पुनीत, इसको हमने 2 दिन के रिमांड पर लिया हुआ है। आगे इन्वेस्टिगेशन जारी है, जैसे वाला तो होंगे आपको बताएंगे।